अब चार ग्रह मिलकर बनाएंगे चार राजयोग और भर देंगे कई राशियों की झोली। देव गुरु बृहस्पति, शुक्र, सूर्य और बुध ग्रह का बनेगा कॉम्बिनेशन। कई राशियों के भाग्य के दरवाजे खुलेंगे और प्रमोशन के योग भी बनेंगे। लव लाइफ होगी बेहतर, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। दोस्तों, इस महीने एक साथ चार ग्रह जुगलबंदी करने वाले हैं, यानी इकट्ठे बैठने वाले हैं और एक साथ चार राजयोग भी बनाने वाले हैं। जब ये चारों ग्रह इकट्ठे बैठ जाएंगे तो कुछ राशियों की झोली भर देंगे, मालामाल कर देंगे, आपके सपने पूरे करेंगे, लव लाइफ बेहतर करेंगे, विदेश जाने के योग बनाएंगे, कोर्ट कचहरी में भी सफलता देंगे, बिजनेस भी रफ्तार पकड़ेगा और रोमांस के मौके भी मिलेंगे। यानी चार ग्रह एक साथ बैठकर कई राशियों की जिंदगी में कमाल करने वाले हैं, दोनों हाथों से खुशियां लुटाने वाले हैं। और कौन से चार ग्रह इकट्ठे बैठ रहे हैं, किन राशियों पर खुशियां लुटाने वाले हैं, कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं, यही इस पोस्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसलिए इस पोस्ट को अंत तक जरूर देखिएगा और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो कृपया इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं समय समय पर ग्रह नक्षत्रों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे साझा करता हूं। दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गुरमीत बेदी। मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है और ज्योतिष के नजरिए से यह महीना बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं। 14 मई को सूर्य भी वृषभ राशि में आ जाएंगे, 19 मई को शुक्र भी वृषभ राशि में उनके साथ बैठ जाएंगे और महीने के अंत में बुध ग्रह भी वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इस तरह चतुर्ग्रही योग, चार ग्रहों का योग जो है वो बन जाएगा। इनमें सूर्य और बुध की युति से बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। बुध और शुक्र एक साथ बैठकर लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। शुक्र और सूर्य के कॉम्बिनेशन से शुक्र आदित्य योग बनेगा, जबकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र की युति बनने से गज लक्ष्मी राजयोग बनेगा। ये चारों राजयोग ज्योतिष में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और ये जब चारों राजयोग एक साथ बन जाते हैं और चारों ग्रह एक साथ बैठ जाते हैं तो कुछ राशियों को वो चौतरफा लाभ देने वाले हैं, झंडा गाड़ देने वाली सफलताएं देने वाले हैं। ऐसी भाग्यशाली राशियां कौन सी हैं, यही मैं सिलसिलेवार आपको बताने जा रहा हूं। पहली भाग्यशाली राशि वृषभ राशि है, जिसमें ये चारों ग्रहों का कॉम्बिनेशन वाला, यानी चारों ग्रह एक साथ बैठकर शानदार कामयाबी देंगे, छप्पर फाड़ धन देंगे, खुशियों से झोली भर देंगे, आपको आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, कारोबार के नए ऑर्डर आपको मिलेंगे, इनकम के नए नए साधन आपके बनते चले जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होगी, लोग आपसे इंप्रेस होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेटर होगी, लव लाइफ बेटर होगी और रोमांस के मौके भी मिलेंगे। दूसरी भाग्यशाली राशि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वालों के लिए चारों राजयोग बेहद शुभ नतीजे देंगे, आपके सपने पूरे करेंगे, आपके सपनों में नए रंग भरेंगे, प्रमोशन देंगे, इनकम के नए साधन देंगे, इनकम में बढ़ोतरी देंगे और व्यापारियों को धन लाभ हो सकता है, इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ हो सकता है, शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी से भी आपको धन लाभ हो सकता है और कुछ शुभ समाचार व्यापारियों को इस महीने मिल सकता है। पार्टनर का भी आपको पूरा साथ मिलेगा, लव लाइफ आपकी बेहतर होगी, रोमांस के मौके भी आएंगे, विवाह योग्य संतान के लिए अच्छे रिश्ते भी आएंगे। तीसरी भाग्यशाली राशि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले बेहद लक्की रहने वाले हैं, क्योंकि चारों ग्रहों की कृपा जो है वो कर्क राशि वालों पर बरसेगी। हालांकि कर्क राशि पर शनि की ढैया भी चल रही है, लेकिन इसके बावजूद कर्क राशि वालों के सपने पूरे होंगे, काम कारोबार में तरक्की होगी, बेरोजगार लोगों को नई नौकरी मिल सकती है, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा, व्यापारियों को धन लाभ हो सकता है, पारिवारिक संबंध आपस में बढ़िया रहेंगे, जीवन साथी का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और संतान को विदेश भेजने का सपना आप पूरा कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट से भी आपको लाभ होगा और जो लोग पॉलिटिक्स में एक्टिव हैं, राजनीति में सक्रिय हैं, उनके लिए समय बहुत फेवर में रहने वाला है। चौथी भाग्यशाली राशि कन्या राशि है। एक साथ चार राजयोग बनना कन्या राशि वालों के लिए बहुत शानदार रहने वाला है। लंबे समय से अटके हुए काम बनते चले जाएंगे, विदेश जाने की कोई फाइल लगाई है तो अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग बनेंगे, बिजनेसमैन जो हैं उनकी अच्छी डील फाइनल हो सकती है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं
तो समय आपकी फेवर में रहने वाला है, मनचाहे नतीजे आपको मिलेंगे। नौकरी करते हैं तो मनचाही जगह पर, पोस्टिंग पाने में आप कामयाब रहेंगे। संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी आपको रोमांचित करेगी, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा, इनकम के नए साधन बनेंगे। पांचवी भाग्यशाली राशि धनु राशि। चारों ग्रहों गुरु शुक्र सूर्य और बुध की ये जो इकट्ठे बैठेंगे, इससे जो चार राजयोग बनेंगे वो धनु राशि वालों को शानदार नतीजे देंगे। इनकम के सोर्स आपके बढ़ते चले जाएंगे, आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी, कारोबार में आपको नए ऑर्डर मिल सकते हैं, आपकी पर्सनैलिटी निखर कर सामने आएगी। बुध और शुक्राचार्य की कृपा से आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी, भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी, धन के आमदनी के तो स्रोत बनेंगे। आप नया वाहन ले सकते हैं, नया फ्लैट ले सकते हैं, आप लग्जरी लाइफ जिएंगे, आपकी वाणी में प्रभाव बढ़ेगा जिससे लोग इंप्रेस होंगे, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लव लाइफ भी बेहतर होगी और रोमांस के मौके भी मिलेंगे। तो आज की पोस्ट में बस इतना ही। इसी तरह की जानकारियों के लिए मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर गुरमीत बेदी से जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत आभार। मैं हूं गुरमीत बेदी।